नमस्कार, जय श्री राम। राजा मनु ने अपराधियों के दंड के बारे में बताया है। इवन वनस्पति को भी अगर आदमी हिंसात्मक रूप से काटता है, जैसे आजकल पेड़ों की कटाई होती है, उसके लिए भी राजा मनु ने दंड का विधान दिया है। वनस्पति नाम सर्वेशाम उपभोग यथा यथा तथा तथा दमह कार्यो हिंसायाम की धारणा, यानी यदि हिंसा के कारण कोई भी पेड़ लताओं या वृक्षों को हानियां करता है तो उसकी क्षति के अनुपात में ही उस अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे राजा मनु आज्ञा देते हैं, यानी बताते हैं अपनी मनुस्मृति में। मनुष्याणाम पशुनाम च दुखाय प्रहरते सति यथा यथा महदुखम दंडम कुर्या तथा तथा। जो अपराधी व्यक्ति मनुष्य और पशुओं को जितने अनुपात में कष्ट या दुख देता है, उसी प्रकार से उसी का दंड का विधान करना चाहिए। तो जो आज वन विभाग और ये सब सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं और लोगों को दंड दिए जाते हैं पेड़ काटने की, तो इसके बारे में पहले से ही राजा मनु ने मनुस्मृति में बता के रखा है। यानी मनुस्मृति आपको जीवन जीने के बारे में सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का ग्रंथ है, ना कि भ्रम की स्थिति में डालने का। और जो सही है वो उन्होंने लिखा है, गलत इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अगर इस ग्रंथ का सही से अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि जो भी चीजें इसमें बताई हैं वो आज भी प्रैक्टिकल रूप में बिल्कुल साक्षात है। और इसका अध्ययन जरूर से जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।